अगर आपका ब्यूटी पार्लर है या फिर कोई सैलून है तो आज के इस वीडियो में मैंने एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है जिसके थ्रू जो है आप अपने ब्यूटी पार्लर को और सैलून को जो है ऑनलाइन वर्ल्ड में जो है वो ग्रो कर सकते हो। तो आप जो है सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ की है, मतलब कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो कहाँ से आते हैं। तो जो मेन एरिया होता है वो 5 से 10 किलोमीटर होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल पर काम करते हो तो पूरी सिटी से भी जो है आपके कस्टमर बन सकते हैं। और मेरा मेन फोकस भी इसी चीज़ पर रहेगा कि आपको पूरी सिटी लेवल पर जो है उसको फोकस करा के आपकी मार्केटिंग रखी जाए। तो जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा 3 चीज़ों पर, वो है हमारा सबसे पहले अवेयरनेस, नंबर 2 पर आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग जो कि हम सोशल मीडिया पर करेंगे, नंबर 3 पर आता है हमारा लोकल SEO। तो हम इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से सोशल मीडिया चैनल्स पर काम करना होगा। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है इंस्टाग्राम, नंबर 2 पर आता है फेसबुक, नंबर 3 पर आता है गूगल माय बिजनेस, यहाँ पर जो है यूट्यूब ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, आपका मन है तो मत करो। नंबर 4 पर आता है यहाँ पर व्हाट्सएप, नंबर 5 पर आता है आपका एक बेसिक वेबसाइट। तो वेबसाइट जो है हमारी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो आप 1 पेज की वेबसाइट बना सकते हैं या फिर 3 पेज की, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद आता है ब्रांड एनालिसिस। तो अगर आपने इससे पहले ऑनलाइन में काम नहीं किया है और आप जो है ऑनलाइन में न्यू आए हैं तो आपने जो है इस चीज़ में ये समझना होगा कि आपके कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहे हैं और आपने एक न्यू अप्रोच के साथ जो है सोशल मीडिया पर जाना होगा और आपने कंप्यूटर एनालिसिस करना है ताकि जो लोग वो कर रहे हैं वो तो हम करें, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी करें और इस स्ट्रेटजी में वो आपको 7 चीज़ें भी मिलेंगी। और साथ में आपने कुछ कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने होंगे जो आप लोकल लेवल पर काम करोगे। इसके बाद आता है ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन। जिन जिन सोशल मीडिया पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर आपने जो है प्रोफेशनल सेटअप करना होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप यूट्यूब को भी कवर कर रहे हैं तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इन 3 चीज़ों पर जो है आप पोस्ट की फॉर्म में कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट में जो भी आपका मन करता है, जैसे कि मान के चलिए आपके पैकेजेस हो गए, वो प्रमोशनल पोस्ट हो गया, अगर आप नॉर्मल किसी का आपने जो है मेकअप किया है, चाहे वो ब्राइड है कोई भी, आप उसकी फ़ोटो खींच कर जो है उसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल है तो आप फेस्टिवल के क्रिएटिव्स बना सकते हैं। साथ में आप जो है मेन फोकस आपका सबसे ज़्यादा जो होगा वो रील पर ही रहेगा, तो आपने रील भी बनाने होंगे जिनका आप जो है वो मेकअप कर रहे हैं उनका। अगर आपके सैलून की तरफ से या ब्यूटी पार्लर की तरफ से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आप उस इवेंट को जो है वीडियो फॉर्म में भी कवर कर सकते हो। साथ में आप जो है रील में अपने जो कस्टमर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर सकते हो और उनके साथ कोलैब करके वो भी अपलोड कर सकते हो। साथ में आप जो है बेसिक जो ब्यूटी पार्लर के रिगार्डिंग और सैलून के रिगार्डिंग जो टिप्स होते हैं उन टिप्स के रील्स भी बना सकते हो, उनको शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हो, या अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पे वीडियो में अपलोड कर सकते हो। आप जो है एक ब्राइड की स्टोरी भी जो है वो वहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कोई ब्राइड है आप उनको शूट करिए और वो किस किस तरह की जो डिमांड रखती हैं कि मैं अपनी शादी पे किस तरह की दिखना चाहती हूँ, मेरे को ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, उन सारी चीज़ों की एक जो है एक स्टोरी बनाइए और पूरी स्टोरी जो है आप अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर वो भी अपलोड कर सकते हैं ताकि दूसरे ब्राइड जो हैं वो अपना वो उन डिमांड के साथ अपने को रिलेट कर सके। रील्स में आप जो है मेकअप वीडियोस तो कवर करेंगे ही, साथ में आप जो है टिप्स के वीडियो भी कवर कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको जो है वो काफ़ी फॉलोअर मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर बेसिक टिप्स ही देंगे ब्यूटी के रिगार्डिंग और सैलून्स के रिगार्डिंग। आपने अपने सैलून या फिर ब्यूटी पार्लर का एक ओवरव्यू वीडियो बनाना होगा, आप इसको जो है सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हो, साथ में आप इसे जब आप अवेयरनेस एड चलाओगे तो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप जैसे ब्यूटी टिप्स में जो है पेडिक्योर, नेल काटना, जो बेसिक चीज़ें होती हैं आप उनके जो टिप्स भी दे सकते हो। और अब बात आती है अगर आप YouTube पे काम कर रहे हो तो YouTube पे जो है आप इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उन पे अपना कंटेंट बना सकते हो, जैसे कि आप अलग अलग वीडियो बना सकते हो, जैसे कि इंटरव्यू मेकअप, बर्थडे मेकअप, या फिर मान के चलिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं उसके लिए मेकअप, या फिर एनिवर्सरी के लिए मेकअप,
या फिर मान के चलिए आप फर्स्ट डेट पर किसी के साथ जा रहे थे, वो वाला मेकअप आप जो है अपनी वीडियो में कवर कर सकते हो। अब बात आती है लोकल SEO की। तो लोकल SEO में हमें अपनी फ्री लिस्टिंग करनी होती है जस्ट डायल पर, इंडिया मार्ट पर, और जो भी हमारी सिटी में लोकल साइट्स हैं उन पे हमें जो है अपनी प्रोफाइल बनानी होती है ताकि कोई भी हमारा नाम सर्च करता है तो वहाँ पर एक तरह का जो है साइटेशंस हो सकें। तो आपने साइटेशंस पर ध्यान देना है। और जो हमारा लोकल SEO है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर। तो हमने उसका प्रोफेशनल सेटअप करना होता है। उस प्रोफेशनल सेटअप में आप जो है अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने बिजनेस के बारे में, वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराएंगे ताकि कोई भी आपको इंक्वायरी के लिए कॉल करेगा तो वहाँ पर जो है आप उसके साथ में कनेक्ट हो सके। अब बात आती है कि आप इस पर क्या क्या चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, प्रमोशनल पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने जो आपके मान के चलो चीज़ों के प्राइजेज हैं वो प्रोडक्ट सेक्शन में जा करके आप उनके ग्राफिक्स बनाएंगे और वहाँ पर आप उनको एज ए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं किस चीज़ का कितना प्राइस है। साथ में आप जो है वहाँ पर अपने ऑफ़र अपडेट कर सकते हैं कि कोई ऑफ़र आ रहा है तो वो वहाँ पर डाल सकते हैं। एक अपडेट का सेक्शन होता है, वहाँ पर आप अपनी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। और सबसे मेन फोकस जो होता है यहाँ पर वो होता है आपके रिव्यूज़ पर। तो आप यहाँ पर अपने क्लाइंट से जो है वो रिव्यूज़ डलवाएँ और आपके रिव्यूज जो है वो आपके ब्यूटी पार्लर और सैलून्स के रिगार्डिंग होने चाहिए तो जो है आपकी प्रोफाइल वहां पर रैंक कर सके। तो ये आपका कंप्लीट डिपेंड करता है आपके रिव्यूज पर और आपकी प्रोफेशनल सेटअप पर। तो जितने अच्छे आपके रिव्यूज होंगे उतनी आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी। तो आपने इस पर भी ध्यान देना है। अब बात आती है पेड एडवर्टीजमेंट की कि आप अपना एडवर्टीजमेंट कैसे चलाएंगे। तो आपका मेन फोकस जो है वो सोशल मीडिया पर ही रहेगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप जो है यहाँ पर अपना अवेयरनेस ऐड चलाएंगे। यहाँ पर आप जो है कोई भी पोस्ट बना के जिसमें आप प्रमोशनल पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि आप पोस्ट बना सकते हैं ब्राइडल मेकअप स्टार्ट या जितना भी आपका प्राइस है उससे, और उसको आप अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अपनी ऑडियंस बनाएंगे तो उसके लिए आप अपना कस्टमर का बायर पर्सोना डिसाइड करेंगे कि आपकी जो किस सिटी के लोगों को आपका जो है वो ऐड दिखे, उनकी एज क्या हो और उनका इंटरेस्ट क्या हो। जैसे कि इंटरेस्ट में होगा ब्यूटी के रिगार्डिंग, ब्यूटी पेजेस को हम कर सकते हैं, किसी का कोई इवेंट आ रहा है जैसे कि एनिवर्सरी वेडिंग, तो इस तरह के जो इंटरेस्ट को हम टारगेट कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट हम बायर पर्सोना बनाएंगे और उनको जो है अपना ऐड दिखाएंगे। वो ऐड का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि वो पोस्ट की फॉर्म में हो सकता है या फिर हम जो है जो हमारा ओवरव्यू वीडियो है हम उसको भी जो है एज ए वीडियो ऐड चला सकते हैं ताकि हमारी अवेयरनेस हो और हमारे पास जो है वो लोग इस ऐड को देख करके आए। तो हमें यहाँ पर जो अवेयरनेस ऐड है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही चलाना है। अब बारी आती है मार्केटिंग आइडियाज़ की कि किन मार्केटिंग आइडियाज़ को आप अपने ब्यूटी पार्लर और सैलून में लगा करके बाकी लोगों से जो है वो अलग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो नंबर वन पर यहाँ पर आता है आपके पास जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वो इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि जो फर्स्ट पिक है वो आप अपनी ब्राइड को दे सकें जिसका भी आप मेकअप कर रहे हैं या कोई भी आपका कस्टमर है उनके साथ, साथ में आप जो है उससे अपना कंटेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर टू पर आता है कि आप एक जो है इंस्टेंट फ़ोटो फ्रेम जो है अपने जो भी कस्टमर्स आते हैं जिनका मान के चलिए जिनका बड़ा काम है 2,000-3,000 से ऊपर, आप उनको जो है एक इंस्टेंट फ़ोटो फ्रेम, सपोज दैट आपने एक ब्राइड का जो है फ़ोटो लिया और फर्स्ट फ़ोटो वो हमेशा याद रखेगी, आप उसको एज ए फ़ोटो फ्रेम उसको गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर थ्री पर आता है 50% ऑफ ऑन फर्स्ट हेयर कट। तो जब बंदा हेयर कट कराने आता है तो उसके बाद वो आपके पास रिकरिंग भी होता है, वो बार बार भी आता है, तो आप जो है फर्स्ट टाइम हेयर कट को जो है 50% ऑफ रख सकते हैं और उसके बाद जो सर्विसेज लेता है आप उनसे भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। आप क्रॉस प्रमोशन भी करा सकते हो अपने नियर बाय कॉस्मेटिक स्टोर्स पर। आप जो है अपने कस्टमर्स को 20% ऑफ दे सकते हैं अगर वो आपके लिए टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करते हैं, साथ में आपके लिए वो कोलैब भी करते हैं। इससे होगा ये कि उसके जो जानने वाले लोग हैं इंस्टाग्राम पर उसको भी आपकी अवेयरनेस हो जाएगी। फ्लैट 50 rupees का आप जो है डिस्काउंट दे सकते हैं अगर वो आपको गूगल मैप बिजनेस पर एक रिव्यू देता है। इससे आपको जो है एक रिव्यूज़ मिल जाएगा जिसकी कीमत काफ़ी होती है।
आप जो है कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपके जो सैलून में या ब्यूटी पार्लर में कोई फ़ोटो जो है अपने स्टोरी में या फिर अपने रील पर डालता है, तो आप उसके लिए जो है एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि आप उसको ये प्राइज़ देंगे या फिर ये सर्विस आप उसको फ्री कर देंगे एक मंथ में या वन मंथ के बाद। सब ऑफ दैट, जैसे कोई भी अगर मान के चलो अपने इंस्टाग्राम पर आपको टैग करके कोई भी जो है अपनी फ़ोटोज़ डालता है, तो उस पर जो है अगर हाईएस्ट इंगेजमेंट मिलता है एक पूरे महीने में, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो डालेंगे आपकी ब्रांडिंग के साथ। लेकिन जिसकी पोस्ट पर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट होगा, आप जो है उस एक बंदे को जो है वो प्राइज़ देंगे, उसमें चाहे आपका कोई भी एक पैकेज फ्री हो सकता है, कुछ भी। इससे जो है सारे लोग उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आप बस एक ही बंदे को प्राइज़ देना है, तो इससे आपकी काफ़ी अवेयरनेस हो सकती है। अब बारी आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो सबसे पहले आपने अपने जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हीं को कॉन्टैक्ट करना है। तो आपने जो है लोकल इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना होगा और उनको अप्रोच करना होगा कि आप जो है हमारे यहाँ पर अपना मेकअप कराइए, और मेकअप जो है हमारा एकदम बार्टर होगा, ना ही आपको पैसा देना है ना ही हमें आपको पैसा देना है, बस आप जो रील बना रहे हैं उसको जो है अपनी स्टोरी में और पोस्ट में डालिए, ताकि जो है आपके बारे में लोगों को अवेयर हो जाएगा। तो इससे ये होगा आपकी अवेयरनेस भी हो जाएगी, साथ में आप जो है जैसे कि जो ब्यूटी पेजेस होते हैं उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, ताकि सर आप जो है हमारे यहाँ पर आइए रील और पोस्ट डालिए, सेम जो है आप उनसे डील कर सकते हैं। या मान के चलिए जो है आप इस तरह पर भी काम कर सकते हैं कि आप कोई स्क्रिप्ट लिखा लें, ताकि जैसे कि कोई भी अवेयरनेस कर रहा है कोई भी इन्फ्लुएंसर, तो आप जो है उसको स्क्रिप्ट बुलवाएं और उसको जो है एज ए एड में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप जो है उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो है वो अवेयरनेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है पेड प्रमोशन कराना होगा। आप जो है अपने कोलैब्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो भी लोकल बंदे हैं आप उनको बोलिए कि आप हमारे साथ जो है वो कोलैब करिए, तो कोलैब से भी जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है। अगर वो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आप उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। अब बात आती है WhatsApp एंड SMS मार्केटिंग की। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी रोल करती है, क्योंकि जो है जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है आप उससे जो है अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, और आजकल जो है मोबाइल नंबर हर कोई WhatsApp पर होता है, तो आपने जो है उनको आफ्टर सर्विस मतलब कि जो है वो मैसेज भेजने हैं ऑफर्स के, वो आप WhatsApp मार्केटिंग पर भी करेंगे, वो आप SMS के थ्रू भी करेंगे। अगर आपके सैलून या ब्यूटी पार्लर में कोई भी ऑफ़र चल रहा है, तो आप जो है उनको ऑफ़र भेज सकते हैं कि ये ऑफ़र हमारे यहाँ पर चल रहा है, आप उसको जो है वो ग्रैब करिए। तो आपने इसके लिए अपने कस्टमर का डेटा लेना होगा जब भी वो कस्टमर आपके यहाँ पर फर्स्ट टाइम आता है, ताकि आप उसको ऑफ़र वगैरह भेज सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। अगर आपकी कोई ब्यूटी पार्लर वाली दोस्त है या फिर सैलून वाला दोस्त है, तो आप जो है उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने ये जो स्ट्रेटजी है वो PDF फॉर्म में डाउनलोड करनी है, तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।